स्टूडेंट्स सो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 54, फोर द क्वेश्चन इज द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 5x एक्स माइनस टू कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो अप टू टू डेसिमल एक्यूरेसी इज सो हमें इसका रियल रूट निकालना है ना सबसे बड़ी चीज तो इसमें कई क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं कि हमें न्यूमेकल मेथड अपलाई करना है या कोई नॉर्मली करना है आपको बट नोटिस करिए अगर मान लीजिए फॉर एक्जाम्पल अगर एक क्वारिटिव इक्वेशन होती तो उसको हम सिंपली श्रीधराचारी फार्मूला अप्लाई करके रूट्स निकाल लेते हैं बट ये क्वालिटी uh, इक्वेशन नहीं है टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो हमारे पास कोई स्पेशल रूल नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए सो अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स अब आपको बताया रूट निकालने के हमारे पास चार न्यूमेरिकल मेथड्स हैं बाई सेक्शन रेगुलर फॉल्सी मैथड सेकेंड एंड न्यूटन राफ्शन मेथड और इन सब में सबसे फास्ट कौन सा होता है न्यूटन राप्शन मेथड तो बेटर रहेगा कि हम न्यूटन राशन मेथड अप्लाई करें ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आए सो वी विल अप्लाई न्यूटन राफ्शन मेथड नाउ नेक्स्ट तो ये जो हमारा इस क्वेश्चन के हमें रूट निकालने तो इस क्वेश्चन को हम एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस टू कॉस एक्स माइनस वन तो जो हमारा एफडिश एक्स है वो हो जाएगा फाइव प्लस टू साइन एक्स अब हम क्या कर रहे हैं जैसे एक्स की कोई वैल्यूज रैंडमली पुट कर रहे हैं क्यों पुट कर रहे हैं आप समझ जाओगे तो अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करी तो हमने नोटिस किया कि जो फंक्शन है हमारा उसकी वैल्यू माइनस थ्री आ रही है ना माइनस थ्री आ रही है इस फंक्शन की वैल्यू और जब वन पुट करी तो वैल्यू आ रही है टू पॉइंट नाइन तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर एक्स हमने जीरो लिया तो माइनस थ्री आंसर आया और वन लिया तो टू पॉइंट नाइन आंसर आया इसका मतलब क्या है कि जीरो एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो सेवन के बीच में कुछ ना कुछ अगर लूंगा तो वहाँ पर कहने के एक्स फंक्शन हमारा जीरो हो रहा होगा फिर से रिपीट कर रहा हूँ हम बोल सकते हैं हमारा एफ ऑफ ए नेगेटिव है और एफ ऑफ बी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है ए से बी के बीच में कोई ना कोई रूट होगा तो ए से बी के बीच में कोई सी भी आप एक वैल्यू एजूम कर सकते हो ईवन ए या बी को भी एज्यूम कर सकते हो तो आपको पता है कि न्यूटन क्राफर मेथड में हमें एक एजेंशन चाहिए होता है जिसको हम नॉट बोलते हैं तो हमें एक्सनॉट की वैल्यू एजूम करनी पड़ेगी तो आप जीरो से लेकर वन के बीच में आपकी जो इच्छा होगा आप वो वैल्यूज एज्यूम कर सकते हो एक्सनॉट की वैल्यू ना तो लेटर से सोल्यूशन देखते हैं उसको हमें तो देखिए हमने क्या करें यहाँ पे एक्सनॉट की वैल्यू हमने वन मान ली लेट से फॉर एग्जाम्पल देखिए एक्स नॉट की हमने वैल्यू वन मान ली ये हमारे रेडियन में है डिग्री में निकलना चाहो तो हम दिखते हैं फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री टू डिग्री नाउ नेक्स्ट अब हमें पता है न्यूटन राशन जो इटरेशन होती है वो होती है एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक एक्स है वहाँ पे एक्स पुट कर दीजिए ऐसे एफ डश ऑफ एक्सन की वैल्यू निकालने के लिए एफ डश ऑफ एक्स में जहाँ जा एक्स है वहाँ पे एक्स पुट कर लीजिए तो हमने यहाँ पे एक्स पुट किया एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्सन मिल जाएगा तो हमने सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी अब मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ एक्स वन तो अगर मुझे एक्स वन निकालना है ना फॉर एक्जाम्पल अगर मैं एक्स वन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा फॉमूला में जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे मुझे जीरो पुट करना पड़ेगा तो यहाँ आएगा टू इंटू एक्स नॉट इंटू साइन ऑफ एक्स नॉट प्लस टू इंटू कॉस ऑफ एक्स नॉट और हॉल डिवाइड बाई फाइव प्लस टू इंटू साइन ऑफ एक्स नॉट एक्स नॉट हमने वन मानी तो हमने जब वैल्यू पुट करी तो जो हमारा आ रहा है एक्स वन, वो आ रहा है जीरो अब आपको क्या करना है ये जीरो को आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा इस फंक्शन में और देखना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है तो हम क्या करेंगे ज़ीरो पॉइंट फाइव सिक्स थ्री टू इस फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है सो लेट अस से कि वो वैल्यू आ रही है हमारी ना आप खुद से रख के दे सकते हो हम अज्यूम कर रहे हैं हमारी वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं ऐसा हम ना तो नोटिस करिए कि यहाँ पे अगर ये एग्जैक्टली वैल्यू होती है रूट की तो रूट पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए तो ये परफेक्ट जीरो तो नहीं आ रहा है मतलब जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो नहीं आ रहा है तो ये परफेक्ट रूट नहीं है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है रूट की तो देखिए नोटिस करिए कि डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस तक तो आंसर सही आ रहा है बिकॉज जीरो आना चाहिए बट सेकंड प्लेस पे आंसर सही नहीं आ रहा है तो हम बोल सकते हैं डेसिमल के बाद अभी एक प्लेस तक ही एक्यूरेसी आई है बट हमें चाहिए गया तक टू डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी चाहिए तो इसलिए इस वैल्यू से काम नहीं चलेगा एक काम करते हैं अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं लट से एन एन को हम इस बार पुट करते हैं लेट से वन पुट करते हैं ताकि हमें एक्स टू मिल जाएगा तो हम एक्स टू की वैल्यू निकालने के लिए एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जाए एक्स एन है वहाँ पे तो वहाँ पे हमने जब पुट किया तो एक्स टू की वैल्यू आ रही है हमारे ज़ीरो पॉइंट फाइव फोर टू फाइव अब आजम करिए हमने जीरो पॉइंट फाइव फोर टू फाइव पे फंक्शन की वैल्यू निकाली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और जो हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आ रही है हमारी हमने एक्स की जगह जीरो पॉइंट फाइव फोर टू फाइव या बोसते हैं एक्स टू पुट किया तो मान लीजिए वो वैल्यू आ रही है हमारी जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन फाइव और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को रूट सभी बोलेंगे जब इस पर वैल्यू जीरो आ जाए मीस जीरो पॉइंट जीरो 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 आ जाए तो नोटिस करिए कि डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस भी एक्यूरेट आ रहा है सेकंड प्लेस भी एक्यूरेट आ रहा है बट थर्ड प्लेस एक्यूरेट नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ जीरो नहीं आ रहा है तो हम बोल सकते हैं इस बार डेसिमल के बाद टू प्लेसेस तक हमारी एक्यूरेसी आ चुकी है मीस दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस और हमें क्वेश्चन में देखो पूछा भी यही है कि अप टू टू डेसिमल एक्यूरेसी हमें टू डेसिमल एक्यूरेसी चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो जीरो पॉइंट फाइव फोर टू फाइव होगा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हाँ, बट अज्यूम करिए कि हमने अगर इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली होती और हमारी वैल्यू आ रही होती है जीरो पॉइंट जीरो लट से वन थ्री टू ऐसी कुछ भी आ रही होती है ना तो देखिए फर्स्ट डिसम डेसिमल के बाद फर्स्ट पे जीरो आ रहा है बट सेकंड पे जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब फर्स्ट प्लेस तक तो एक आ रही है एक्यूरेसी आ रही है बट सेकंड प्लेस पर नहीं आ रही है तो उसका आंसर नहीं बोल सकते हम है ना तो हमें इस बार हमें वापस और मेथड लगाना पड़ेगा और उसके बाद एक्सरे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ऐसा हम जब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास आंसर जो है फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर रूट पे जीरो पॉइंट जीरो जीरो समथिंग की फॉर्म में ना आ जाए ताकि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो टू डेसिमल प्लेस तक आ चुकी है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.